ये लो खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका है, ये उस छिलके के भी मालिक नहीं है। गुठली तो बहुत बड़ी चीज हो गई, गुठली के ऊपर भी एक हल्का सा छिलका होता है, और अल्लाह ने यमलिकून का लफ्ज इस्तेमाल किया, मा यमलिकून, ये उस छिलकी छिलके के उस गुठली के ऊपर जो छिलका है ये उसके भी मालिक नहीं है। इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम इनको पुकारो तो ये तुम्हारी पुकार का जवाब देने की ताकत नहीं रखते, नहीं, अगर तुम इनको पुकारो नहीं सुन सकते ये। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम इनको पुकारो तो ये तुम्हारी पुकार सुन नहीं सकते। फिर अंदाज देखिए, वलौ समियो, अगर सुन भी लें, पहले तो साफ कह दिया सुन नहीं सकते, चलो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तुमने जो गढ़ लिया है, और अल्लाह आलिमुल गैब था, उसको मालूम था कि तुम गढ़ोगे, इसलिए उसने इस अंदाज से फिर डराया, चलो वलौ समिऊ, चलो अगर सुन भी लिया किसी तरीके से, बिलफर्ज महाल, मस्तजाबू लकुम, तो जवाब नहीं दे सकते, सुन नहीं सकते, और सुन लिया तो जवाब नहीं दे सकते। यौमल कयामत यकफुरून बिशिर्किकुम, और कयामत के दिन वो अपने रब के सामने तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे कि अल्लाह हमने कब कहा था कि हमसे मांगो, हमने कब कहा था कि मेरे कब्र पे आओ, हमने कब कहा था कि मेरे कब्र पे चादर चढ़ाओ, वो तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। इसीलिए कुरान ने अकीदा बता दिया, नहीं सुन सकते वो। वमान तब मुस्मिन फिल कुबूर, आए नबी वो नहीं सुन सकते उन लोगों की बातों को जो कब्रों के अंदर दफन हैं। लफ्ज कब्र पेश कर दिया, कब्रों में जो दफन है नहीं सुन सकते। और एक जगह अल्लाह ने सूरह नमल आयत नंबर 80 में कहा, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ, इस लफ्ज पर गौर कीजिएगा, आए नबी आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आए नबी आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते, और उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ, और आए नबी आप बहरों को भी नहीं सुना सकते। कभी गौर किया आपने, जब अल्लाह ने यह कह दिया था कि आए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, तो मुर्दे के बाद बहरे को अलग से पेश करने की क्या जरूरत थी? पॉइंट पर नोट करो, आए नबी आप मुर्दों को अपनी आवाज नहीं सुना सकते। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, जाओ कुरान उठाओ सूरह नमल आयत नंबर 80, तर्जमा देख लो, आए नबी तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ, बहरों को भी नहीं सुना सकते। जब कह दिया था मुर्दों को नहीं सुना सकते, तो बहरों को क्यों कहा? लाने के बहरों को नहीं सुना सकते, क्योंकि बहरे के पास सिर्फ एक ताकत नहीं होती और सारी ताकतें होती हैं। अल्लाह सिर्फ उसके कान की समात को सल्ब करता है, बकिया सारी ताकतें उसकी मौजूद हैं। वो हाथ से पकड़ सकता है, पैर से चल सकता है, जबान से बोल भी सकता है, आंख से देख भी सकता है, जहन से सोच भी सकता है, खा भी सकता है। उसके पास चलने की ताकत है, उसके पास उठने की, बैठने की, सोने की ताकत है, खाने पीने की ताकत है, बोलने की ताकत है, देखने की ताकत है। हमने उसको सारी ताकतें दी हैं, सिर्फ एक ताकत उससे छीनी है सुनने की, सिर्फ सिमात को हमने सल्ब किया है। आए नबी, जिससे हम सिर्फ एक ताकत छीनते हैं, सिमात और सारी ताकतें उसके पास मौजूद हैं, जिससे एक ताकत छीनी हो उसको आप नहीं सुना सकते, और जिसकी सारी ताकतों को हमने छीन लिया हो उसको आप क्या सुना पाएंगे? एक ताकत जिसके छीनी हो उसको आप नहीं सुना सकते, और जिससे सारी ताकतें हमने सल्ब कर ली हो उसको आप क्या सुना पाएंगे? इतनी मोटी सी बातें, लेकिन नहीं, वली साहब आपकी सारी बातें सही, लेकिन हम तो 9-9-19 कहेंगे, हमारे बाप ने 18 बताया ही नहीं है। हम तो वही कहेंगे, बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा। बेशुमार वाक्य, हमारे इटावा की एक लड़की की शादी कानपुर में हो गई, इत्तेफाक से वो उन लोगों में चली गई, इत्तेफाक से नहीं होता ये मामले, ये जानबूझकर होते हैं। दीनदारी नहीं देखा जाएगा, जब ये देखा जाएगा प्रॉपर्टी मिले, जमीन मिले, जायदाद मिले, मेरी लड़की सुकून से रहे, तो वो ये नहीं देखता फिर बाप की, मैं अपनी लड़की की शादी कहाँ कर रहा हूँ, ये नहीं देखता। बहरहाल वो चली गई, लेकिन मुताला उसका अच्छा था, 4 साल तक बेटी बेटा कुछ नहीं हुआ। उसके घर में जो उसकी नंद थी वो बहुत कहती थी, चलो हमारे यहाँ एक बाबा हैं उनके पास चलो, जो जाता खाली हाथ नहीं लौटता, इंशाल्लाह तुम्हें भी बेटा बेटी ज़रूर मिले, और वो नहीं जाती थी।
एक दिन वो गुस्से में अपने भाई से कहने लगी, इसको छोड़ो, तलाक दो, जब बेटा बेटी कुछ नहीं हो रहा, ये जाती भी नहीं है, चलो दूसरी शादी कर लो, इसको तलाक दे दो। इसने जब तलाक का नाम सुना तो चढ़ बैठी अपनी नंद के ऊपर और बोली, ए तुझे अपने बाबा पे बहुत भरोसा है क्या? बोली हाँ, चल तो देख, उसके बाद अगर बेटा बेटी ना मिले तो तू कहना। कहा अच्छा एक बात बता, तेरे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तू पहले बाबा के पास जा। तो कहा देखो भाभी मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम जानती हो मेरे रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। कहा क्यों? कहा भाई मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं काली हूँ, आजकल लड़के चाहते हैं कि गोरी लड़की मिले, खूबसूरत मिले। कहा अच्छा इसलिए तेरे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं? कहाँ? कहा अच्छा तू अपने बाबा के पास चल और ये कह कि बाबा मेरा रंग काला है, इसको गोरा कर दो। अगर तेरे बाबा ने तेरे काले रंग को गोरा कर दिया और तेरा रिश्ता तय हो गया तो फिर मैं चलूंगी तेरे बाबा के पास। ये क्या बात रही, काला रंग भी कहीं गोरा हो सकता है बाबा के पास जाने से? कहा जब तेरा बाबा तेरे रंग को गोरा नहीं करवा सकता तो मुझे बेटा बेटी क्या दिलवा सकता है? और यही बात पूरे घर की इस्लाह के लिए काफी हो गई, पूरा घर एलईडी से पूरा घर कन्वर्ट हो गया। समझा दिया गया। या तो बाकायदा कहा जा रहा है कि नहीं साहब अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है, इनको इनके पास जाओ, इनसे कहो, ये दुआएं लेकर ऊपर जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि नमाज भी तो एक दुआ है, उसमें आपने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलाद्दाललीन, ये दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? मेरी समझ में नहीं आती वुजू के बाद की दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है। इन सारी दुआओं पर तो कभी आप ये नहीं कहते कि बाबा मेरी दुआ लेकर ऊपर जाओ। सिर्फ बेटा बेटी का मामला आता तो आप कहते हैं कि बाबा मेरी दुआ ऊपर तक ले जाओ, अल्लाह से कबूल करवा दो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर दो। और सारी दुआएं अल्लाह डायरेक्ट कबूल करे, सिर्फ बेटा बेटी की दुआ अल्लाह डायरेक्ट ना कबूल करे, या ठेका दे रखा हो। जरा गौर करो मेरे भाइयों, क्या मामलात हैं, जरा सोचिए तो सही। एक इसको इस अंदाज से समझने की कोशिश करो कि एक आदमी था, एक लतीफा है ये, एक आदमी था वो डायरेक्ट कभी मांगता ही नहीं था, यहाँ तक कि नमाज और रोज़ा जैसी इबादत भी कर, बाबा अल्लाह तक पहुँचा दो। नमाज पढ़ता था, कहता था बाबा मेरी नमाज अल्लाह तक पहुँचा दो। एक दिन ये बैठा बेचारा गाड़ी पे जा रहा है और गाड़ी पहाड़ के ऊपर चल रही है, फिसल जाती है, ब्रेक फेल हो जाते हैं, पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन ड्राइवर को मालूम है कि पहाड़ के जड़ से, बीच से दरख्त की जड़ निकली हुई है। उसने ढक्कन खोला, खिड़की खोली और कूद गया और वो बीच में आकर पेड़ पर लटक गया, ऐसे नीचे लटका है, और मारुति नीचे गिरी, गाड़ी नीचे गिरी और वो आदमी जितने बैठे थे सब मर गए। अब ये ऊपर देखता है तो 2 किलोमीटर ऊंचा पहाड़, नीचे देखता है तो 2-3 किलोमीटर गहरी खाई, पेड़ पकड़ा हुआ दरख्त। आज उसको ना अजमेर वाला याद आ रहा है, ना कछोछा वाला। आज वो डायरेक्ट इस पोजीशन पे कहता, अल्लाह आए, अल्लाह तू मुझे बचा ले। अल्लाह ने कहा फरिश्तो इधर आओ, तू जरा देखो तो सही इस सड़े हुए मुंह से क्या आवाज निकल रही है। आज तक डायरेक्ट इसने मेरा नाम नहीं लिया और आज डायरेक्ट तेरा अल्लाह मुझे बचा लो। फरिश्तों ने कहा अल्लाह मुझे तो दाल में काला नजर आता है। अल्लाह ने कहा काला? कैसे काला? देख रहे हो डायरेक्ट अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अल्लाह इसका इम्तहान लेके देख, मुझे नहीं भरोसा है कि ये तेरे ऊपर। अल्लाह ने कहा अच्छा मैं इसका इम्तहान लेता हूँ। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तेरे ऊपर मुसीबत आई, मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हूँ, मेरी एक शर्त पूरी कर दे। कहा अल्लाह क्या है तेरी शर्त? जल्दी बता, मैं पूरी कर दूँ, तू मुझे बचा ले, बस तेरी 20 शर्तें भी मैं पूरी कर दूंगा। अल्लाह ने कहा एक पूरी कर, 20 शर्तें पूरी करने में नानी मर जाएंगी फिर, एक शर्त पूरी कर। कहा अल्लाह जल्दी बता क्या है तेरी शर्त, मैं पूरी करता हूँ, तू मुझे बचा ले। अल्लाह ने कहा मेरी शर्त ये है बंदे, तू अपने दोनों हाथ छोड़ दे। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे मेरी शर्त ये है कि तू अपने दोनों हाथ छोड़ दे, ऊपर पकड़े हुए नीचे। कहा अल्लाह बात तो तेरी ठीक है लेकिन शर्त बड़ी हार्ड है, बड़ी तगड़ी शर्त है, पहले तू बता अगर मैं छोड़ दूं नीचे गिरूंगा तो तू बचाएगा कैसे? फरिश्तों ने कहा देख अय अल्लाह मैंने कहा था आज भी तेरे बंदे को तेरे ऊपर यकीन नहीं है, आज भी मैंने कहा था ना दाल में काला। अल्लाह कहता है छोड़ना तेरा काम, बचाना मेरा काम। ना पहले तू बता कि बचाएगा कैसे? 3-4 दिन हुए ऑटोमेटिक आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, प्यास की शिद्दत, कमजोरी पड़ी, नीचे गिरा, मर गया, अब क्या कहूँ।
राम राम सत्य हो गई, मर गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसीबत के मौके पर अल्लाह ही याद आता है, लेकिन ये दिल की आवाज है कि उसको अल्लाह निकलता है। लेकिन जो लोग इतने बेशरम पड़ जाएं गैरुल्लाह के पास जा जाकर, उनको अल्लाह के ऊपर भी एतवार नहीं होता और वो अल्लाह से भी सौदेबाजी करने लगते हैं कि पहले तू बता कि मुझे बचाएगा कैसे। हमारा अकीदा अल्लाह की जात के बारे में यह है कि अल्लाह इस वहमो गुमान से भी पाक है कि उसके बारे में लफ्ज कैसा लगाया जाए। लफ्ज कैसा लगाना भी शिर्क है कि वो कैसे बचाए। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, वो हर चीज पर कादिर है। सवाल मत कीजिएगा क्या वो अपने जैसा दूसरा खुदा बना सकता है, सवाल मत कीजिएगा क्या वो झूठ बोलने पर भी कादिर है। इस किस्म के सवालात खवारिज ने जो जवाबात दिए हैं, कहीं डर लगता है लोग बहक ना जाएं, फिसल ना जाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह के बारे में यकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उसका ये माना नहीं लेना चाहिए कि अल्लाह कादिर का मतलब कवी, अल्लाह ताला कवि है, ताकत रखता है, यानी अपने जैसा दूसरा खुदा नहीं बना सकता लेकिन ताकत रखता है, लेकिन बना नहीं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो सवालात में जाना ही नहीं चाहिए। और जब वो सवालात हमारे जहन में आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। और भी बहुत सी बातें मेरे भाइयों, चलो आज मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आपका टाइम ले लिया है। मैं जानता भी हूँ कि मुझे आपके वक्त का एहसास भी है, चूँकि कल भी प्रोग्राम है, परसों भी प्रोग्राम है, उसके बाद भी प्रोग्राम है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार अल्लाह हमें तौहीद की अहमियत समझने की और शिर्क की बुराइयों को समझने की तौफीक अता फरमा, और शिर्क से हमें इज्तनाब करने की और तौहीद पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमा, और जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।